तो ये है एक LG अल्ट्रा स्लिम का बोर्ड। तो इसका प्रॉब्लम है, इसका IC खराब है। क्या खराब है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ क्या क्या कुछ हुआ है। तो मोस्टली ऐसे करके आप आसानी से कोई भी फॉल्ट फाइंड कर सकते हो। तो ये अल्ट्रा स्लिम का बोर्ड आप देख सकते हो, इसका ESC चेंज हो चुका है, लेकिन अभी इसका फॉल्ट आ रहा है कि पिक्चर नहीं आ रहा है। ESD ऑन हो रहा है लेकिन कोई भी पिक्चर नहीं है, ठीक है। ESD ऑन हो रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है। तो कैसे पता करें कि IC से खराब है, ठीक है। तो बेसिकली इसका ABL शॉर्ट हो चुका है। तो ABL बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, ABL वाला पिन, ए वाला। तो मैं यहाँ पे नया IC लेके भी आ चुका हूँ। तो ABL जो है, ABL पिन यहाँ पे IC पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखा कि ABL यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। देखिए ABL शॉर्ट हो चुका है। इस पिन से अगर मैं खोल दूंगा तो ये शॉर्टिंग चला जाता है। अभी इस पिन से यहाँ पे मैं सोल्डरिंग खुला हुआ है, तो इसलिए कोई भी इस पिन पर बीप नहीं आ रहा है। तो पिक्चर अगर नहीं आ रहा है लेकिन रिमोट का जो भी लिखा है वो अगर सही से आ रहा है, तो इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ABL प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन AB का फॉल्ट भी हो सकता है, क्योंकि कई कई टाइम AB नहीं होता है, तो वो भी एक फॉल्ट है। लेकिन ABL का सेक्शन प्रॉब्लम है वो कैसे पता करें? जो RF सिग्नल है, जो मोस्टली जो स्नो आता है, जो झिझिरे टाइप आता है, RF सिग्नल मतलब इस ट्यूनर कार्ड से जो चलता है, मतलब टीवी पे जो चलता था पहले, ठीक है, टीवी ऑप्शन पर अगर झिझिरे आ रहा है तो ABL फॉल्ट नहीं है। उस केस में AB रिलेटेड फॉल्ट है कि AB यहाँ पे सही से नहीं जा रहा है। लेकिन अगर झिझिरे वहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ABL ही खराब है। 100% चांसेस है कि ABL ही खराब है, झिझिरे अगर नहीं आ रहा है तो। ABL बेसिकली यहाँ पे अगर वोल्टेज वगैरह मिसिंग होता है तो उनमें भी पिक्चर नहीं आता है, लेकिन इनमें तो ABL पिन ही IC का शॉर्ट हो गया, तो IC को यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। मोस्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस 4.7K 1K का रेजिस्टेंस जो रहता है उनमें ए फॉल्ट होता है। बेसिकली यहाँ पे 110 जो वोल्टेज है ए भी यहाँ पे जा रहा है, इस रेजिस्टेंस का भी फॉल्ट होने पर ABL का दिक्कत आती है। तो मोस्टली हमारा जो झिझिरे है वो अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ABL का फॉल्ट है। अगर रिमोट का सभी लिखा आ रहा है, रिमोट अगर दबाएंगे तो वॉल्यूम अप डाउन सब कुछ आएगा, ठीक है, मेनू भी आएगा, सब कुछ आएगा, रिमोट का फंक्शन सब कुछ आएगा, लेकिन पिक्चर नहीं आएगा, साउंड आएगा, तो उन केस में आपको ABL फॉल्ट समझ लेना है। तो ABL फॉल्ट तो मैंने देख लिया, इसका IC भी शॉर्ट है। IC कैसे शॉर्ट हुआ? बेसिकली ESD खराब था, ESD से एक फायरिंग मारा और शायद यहाँ पे किसी पिन पर जोर से फायरिंग मारा, इसके कारण IC पे हाई वोल्टेज चला गया और खराब हो गया। तो चलिए IC को मैं चेंज कर लेता हूँ। उससे पहले आप लोगों को ऑब्वियसली अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ। ए वाला पिन ABL का है, इसका AL4 IC नंबर है, AN4 भी आता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, पिन वहाँ पे बेसिकली लग रहा था, यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है। तो IC चेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए IC को चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो चलिए आईसी को मैंने डिसोल्डर कर चुका हूँ, अभी खोलना बाकी है। तो इस जगह पर आप डायरेक्ट आईसी भी लगा सकते हो, लेकिन आईसी में बेस वारंटी मिलता है। तो आप अगर इसको सोल्डर कर देंगे यहाँ पे तो वारंटी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बेस लगाऊंगा आईसी का, तो उससे हमारा वारंटी मिल जाएगा अगर कुछ दिक्कत आया तो। तो आईसी का नंबर है AL4, ठीक है, 1200 155। तो बहुत सी अच्छी तरीके से पैक करके दिया है। चलिए आईसी पे डेट लगा हुआ है, आज 3/3, आज का डेट 3 है 2022। तो कल आया है तो कल का डेट लगा है, तो उसका बेस वारंट हमको मिलेगा अगर कुछ दिक्कत आई तो। बेस वारंटी से आपको एक विश्वास आ जाता है, ठीक है, नहीं तो अगर खराब हुआ तो आपका ही जाएगा। नया आईसी को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग पिन और हमको स्टार्टिंग पिन इस साइड पे इस तरीके से लगा देना है। हो गया हमारा आईसी रिप्लेसमेंट। चलिए जो शॉर्टिंग था वो अब लोगों को दिखा देता हूँ है कि नहीं। तो इस पिन पर शॉर्टिंग था, इस पिन पर यहाँ पे देखिए, इस पिन पर शॉर्टिंग था, देखिए ऐसे का इस पिन पर। तो मैं यहाँ पे कुछ टेस्टिंग वगैरह कर लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आईसी फिर से खराब हो मेरे वजह से। तो मैं यहाँ पे एक इस लाइन पर एक डायोड रहता है, उस डायोड को मैं चेक कर लूंगा वो सही है कि नहीं।
ये वाला वो डाइट है। देखिए ये डाइट शॉर्ट हो चुका है, तो इस डाइट को हमको चेंज कर देना होगा। ये वो डायोड है, इसका मैं सेटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये शॉर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम 4148 लगा सकते हैं। तो ये रहा एक अच्छा वाला 4148। बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू का अगर रेजिस्टेंस वगैरह होगा तो आप बोर्ड पर चेक उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 9 ऑलमोस्ट तो सही दिखा रहा है, तो 950 यहाँ पे दिखा रहा है, सही है। बाकी कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस गया है उसको भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो ये वाला वो पॉइंट है यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे 4.7K का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टेंस है ये वाला। चलिए अभी बोर्ड को पावर ऑन करेंगे, उसके बाद आगे की वोल्टेज थोड़ा सा नाप लेंगे। चलिए कुछ वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 116 वोल्ट पास है, यहाँ पे 28 बोलाएगा, परफेक्ट। और यहाँ पे ESP तो हो रहा है 1.8 वोल्ट, जो कि 5 वोल्ट है वो थोड़ा सा कम दिखाता है, तो ठीक है। और जो वर्टिकल IC का जो भी सप्लाई है 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, तो मिल गया हमारा सभी वोल्टेज। और ABL का वोल्टेज देख लेते हैं, परफेक्ट आ चुका है। यहाँ पे पहले 5 वोल्ट के आसपास था, अभी 10 के ऊपर है, तो इससे हमारा पिक्चर एकदम आ जाना चाहिए।
तो चलिए पिक्चर ट्यूब पर चेक करेंगे, अभी मेरे पास नहीं है, चेक करेंगे अभी।